नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। टेंशन का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है लोगों को, क्योंकि कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और पूरे जोश खरोश के साथ दी है। खास करके टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डांस दीवाने 3 की खबर हमने पहले भी आपको बताई थी कि 18 लोग संक्रमित हुए थे कोरोना वायरस से, जिसमें से कुछ नाम उन्होंने रिवील किए, कुछ उन्होंने नहीं किए। मगर जब हमने परफॉर्मेंसेस देखी कलाकारों की, तो उसमें कुछ कलाकार मिसिंग थे जिनका नाम हमने आपको बताया था। आज एक और नाम इसमें ऐड हो रहा है जो शो का बहुत बड़ा पिलर है, तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं एपिसोड्स में कि एक स्टेटमेंट माधुरी दीक्षित देते हुए नजर आती हैं, जब वो एक परफॉर्मेंस देखती हैं पपैया और उनकी, तो अंतरा की, तो उसमें वो कहती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज कर दी है, ऐसा आपने परफॉर्म किया कि अभी कोरोना वाले आए तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि मुझे कोरोना है। तो क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स वही होते हैं, सांस तेज, ये सब चीजें, तो उन्होंने ये चीज कही। तो इसका मतलब ये था स्टेटमेंट का शेयर करने का कि वहां पे रेगुलरली प्रिकॉशंस के साथ कोरोना टेस्ट होता रहता है सेट पे, और जिनको कोरोना होता है उनको क्वारंटाइन तुरंत कर दिया जाता है। इसलिए हमें कुछ एक दो हफ्ते से हमें अरुंधति की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी, उदय की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी, सूचना की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई, क्योंकि उनका भी कोरोना पॉजिटिव आया होगा। तो ऐसे ही खबरें आ रही हैं दोस्तों। और अब बात आ रही है धर्मेश की, कि धर्मेश को भी कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और इसीलिए उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो धर्मेश जो बहुत ही ज्यादा अभी सामने आए हैं, जज बन के आए हैं, माधुरी के बराबर की सीट पे बैठे हैं, और इसको लेके राघव के बीच में उनका बहुत बढ़िया वाला ह्यूमरस लड़ाई जो है दोस्तों की चलती रहती है, जो शो को बहुत अच्छा एक रिलीफ देती है, कॉमेडी रिलीफ देती है। मगर अब क्योंकि धर्मेश को कोरोना का सिम्टम्स आए हैं और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उनको तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, मगर उनकी प्लेसमेंट में भी कोई आएगा, तो ये देखना थोड़ा होगा। बट इसका एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि वरी का फैक्टर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जब इतनी सारी चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था 2020 में, तो टीआरपी रेटिंग गिर जाता है, ना तो जजेस को मजा आता है, ना परफॉर्मर्स को मजा आता है, ना ही ऑडियंस को मजा आता है, क्योंकि शफलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है। ये कंपटीशन के शोज हैं जिसमें कंपटीशन से ही ये देखा जाता है कि एंड में जीतता कौन है। तो अगर ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे कोरोना की वजह से, क्योंकि जिसपे किसी का जोर नहीं है, तो शो का जो है टीआरपी लेवल कम हो जाएगा, रेटिंग कम हो जाएगी, ये थोड़ा वरी का फैक्टर है। आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और प्रे कीजिए कि शोज में खास करके जो हमें एंटरटेन करते हैं घर बैठे बैठे, उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे जजेस हो, कंटेस्टेंट हो, उनको कम से कम कोरोना की शिकायत ना हो। वो जिस रिस्क के साथ ये काम कर रहे हैं उसमें उनको ये रिस्क ना हो कि कोरोना उनको पकड़ ले। तो ये आप प्रे भी कीजिए और हम भी प्रे करते हैं कि जल्दी से धर्मेश भी ठीक हो जाए और वापस से अपनी सीट पे आ जाए। तो कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।